Activity number 3 is bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants as was done for activity number 4 in chapter number 7 where we studied transpiration in plants. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी में क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दो प्लांट लेंगे, एक कैक्टस का और एक लीफी प्लांट लेंगे, उसको हम क्लासरूम में लेंगे. ये दोनों प्लांट के कुछ पार्ट है, या तो हम बोल सकते हैं एक एक ब्रांचेस को पॉलिथीन बैग से अच्छे से टाई कर देंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 में किया था एक्टिविटी नंबर 4 में. और वो एक्टिविटी हमने क्यों की थी, टू स्टडी दी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हाट डू यू सी. सो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लांट्स को सनलाइट के अंडर छोड़ देंगे कुछ आवर्स के लिए और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलिथीन बैग्स. अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट में से पॉलिथीन बैग को रिमूव करेंगे और हमें वहाँ पे दोनों प्लांट की पॉलिथीन बैग में चेक करना है कि कौन से बैग में ज़्यादा वाटर है. डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डेजर्ट प्लांट होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर है वो लूज करते हैं और उनके लीव्स होते हैं. याद रखना है ये चीज, अंडरलाइन भी कर लेना. द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. Now, ये जो specific structure है leaves का, जो desert plant है उसमें leaves कैसे होंगे, they are very small or they might be absent or they are in the form of spines. तो ये जो special structure है leaves का वो क्या करता है, that helps in reducing loss of water from the leaves through the transpiration process. तो इसकी वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो वाटर लूज करता है प्लांट वो कम होता है. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टिंग एज शोन इन द फिगर नंबर 9.5. अभी यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे फिगर में ये वाला जो प्लांट है कैक्टस का, इसमें हम ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली लीफ बट वो क्या है, वो है स्टेम, वो प्लांट का स्टेम है, वो लीफ नहीं है. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स. तो ये चीज भी याद रखने वाली है, अंडरलाइन कर लेना. जो डेजर्ट प्लांट है उसमें से फोटोसिंथेसिस किससे होता है, इधर डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय स्टेम्स बिकॉज वहां पे जो लीव्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं समटाइम्स. द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वॉटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी. नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्टेम होता है वो स्टेम कैसा होता है, थिक होता है और वो कवर्ड होता है विथ सम वैक्सी लेयर. और वो अल्टीमेटली स्टेम क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई. तो यहाँ पे जो कैक्टाई है, दैट मीन्स कि कैक्टस का प्लांट है, उसकी जो टिश्यूज है उसको वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है, राइट. द मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर. नाउ ये भी चीज याद रखने वाली है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं दैट ग्रो वेरी डीप इन सॉइल, वो बहुत ही डीप ग्रो करते हैं सॉइल में. और ये क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि व्हाई द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट ग्रो वेरी डीप इनटू सॉइल, बिकॉज जो डेजर्ट है
है, वी नो वेरी वेल डेजर्ट एरिया में वाटर है वो बहुत डिफिकल्टी से मिलता है. सो दैट इज़ वाई टू एब्जॉर्बिंग वाटर जो रूट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के वो बहुत ही डीप ग्रो करते हैं. Now, our next terrestrial habitat is mountain regions. These habitats are normally very cold and windy. तो ये टाइप के हैबिटेट क्या होते हैं, नॉर्मली बहुत ही ठंडे होते हैं और वहाँ पे हवा है वो भी ज़्यादा चलती है. इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर, और बहुत बार जो विंटर होता है वहाँ पे ये एरिया में स्नोफॉल भी होता है. देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजियन. Have you seen the kind of trees shown in the figure number 9.6? Now, यहाँ पे ये habitat में भी जो plant और animal है वो बहुत ही different variety के मिलते हैं, और यहाँ पे figure number 9.6 में दिखाई गई है trees of mountain habitat. So, यहाँ पे जो figure में हमको देखने को मिल रहे हैं इस type के trees हमको mountain region में दिखाई देते हैं. If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. अगर हम माउंटेन रीजन में रहते हैं या तो वहाँ पे कभी विजिट किया है तो हमें डेफिनेटली कुछ इस टाइप के ट्रीज देखने को मिलेंगे. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन. बट ये जो हमको फिगर में दिखाई दिया है उस टाइप के ट्रीज हमने माउंटेन रीजन के अलावा किसी जगह पे देखे हैं? द आंसर इज नो. हाउ आर दिस ट्रीज एडेप्टेड to the condition prevailing in their habitat. तो इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो पर्टिकुलर हैबिटेट को कैसे अडेप्ट करते हैं वो यहाँ पे हमको बताया गया है. These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. तो यहाँ पे ये ट्रीज, यहाँ पे ये चीज अंडरलाइन कर लेना, ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग branches. So, यहाँ पे ये हो गए characteristics of trees found in the mountain region. Okay, जैसे आपने desert में देखा था किस type के leaves होते हैं, वैसे ही यहाँ पे mountain region में बताया गया है किस type के trees होते हैं. तो trees कैसे होंगे, trees are normally cone-shaped and they have sloping branches. यहाँ पे leaves के बारे में भी बताया गया है, the leaves of some of this trees are needle-like. तो जो leaves होते हैं कुछ tree के वो कैसे होते हैं, needle-like structure के होते हैं. Because this helps the rain water and snow to slide off easily. Why needle-like structure? Because इसकी वजह से जो snowfall होता है या rain water होता है वो बहुत ही easily slide off हो जाता है. There could be trees with shapes very different from this that are also present on mountain. इसके अलावा भी ऐसे trees होते हैं कि जिसके shapes होते हैं वो यहाँ पे जो हमने mention किया उससे different होते हैं. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. So, because यहाँ पे different जो shapes होते हैं वो क्यों होते हैं, because वो उसके साथ वो shape के साथ adapt हो जाते हैं for their survival on the mountains. Animals living in the mountain region are also adapted to the condition there shown in the figure number 9.7. Now, अब तक हमने बात की trees के बारे में कि किस type के trees हैं वो हमको देखने को मिलता है ना mountain region. But अब हम देखेंगे कि किस type के animals हैं that are found in the mountain region और वो कैसे adapt होते हैं with the condition over there. So, first one is they have thick skin or fur to protect them from the cold. तो ये line हम underline करेंगे. They have thick skin or fur to protect them from the cold. Because as we know, mountain region में बहुत ही cold होगी, बहुत ही cold weather होगा वहाँ पे. So that is why from the protection against this cold weather, उनकी जो skin होती है वो कैसे protected होती है, by fur और by thick skin.
For example, yaks have long hair to keep them warm. जो याक्स होते हैं उनको अगर हम देखें, यहाँ पे पार्ट बी है, यहाँ पे दिस इज द फिगर ऑफ याक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी जो हेयर्स है वो बहुत ही लॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. सो ये लॉन्ग हेयर की वजह से उनका जो बॉडी है वो वार्म रहता है. सेम वे स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी. सो यहाँ पे फिगर नंबर ए है, दैट इज फिगर ऑफ स्नो लेपर्ड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्नो लेपर्ड में क्या है, उसके पास थिक फर है, तो उससे क्या होगा, उसको भी उसके कोल्ड वेदर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलेगा. सो हियर फिगर नंबर 9.7 शोज स्नो लेपर्ड. फर्स्ट वन जो ए है वो, देन बी है वो याक का है, एंड सी वन इज माउंटेन गॉड आर एडेप्टेड टू द माउंटेन हैबिटेट. तो ये सी वाली फिगर है, दिस रिफ्लेक्ट द माउंटेन गॉड. नाउ इंक्लूडिंग फीट एंड टोस. सो अल्टीमेटली जो स्नो लेपर्ड है उसका जो थिक फर होता है वो क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट इट्स फीट एंड टोस. This protect its feet from the cold when it walks on the snow. तो इससे क्या होगा, जब भी लेपर्ड है वो वॉक करता है तो जब भी वॉक बाय वॉकिंग उसको जो कोल्डनेस फील होगी उससे यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा बाई यूजिंग दिस टाइप ऑफ फर. द माउंटेन गॉड हैज स्ट्रॉन्ग hooves for running up the rocky slopes of the mountain. Now हमने जो figure number C देखी, यहाँ पे जो हमने figure देखी C, यहाँ पे ये वाली figure है mountain god की. तो इसके यहाँ पे special character क्या है, mountain god के केस में उनके पास strong hooves होते हैं, और ये hooves क्या करते हैं, वो running, जो जब भी running करते हैं ये gods rocky slope पर से, तो वो टाइम पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट. सो एज वी ऑल नो माउंटेन है वो बहुत ही हाइट पे होते हैं, तो जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाते हैं एक एक हाइट आती है, एक एक लेवल क्रॉस करते जाते हैं, तो जब भी हाइट इंक्रीज होगी तब तब वहाँ की जो एडेप्टेशन है वो जो सराउंडिंग है जो उनकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे.